इतना सस्ता भी कोई 5G दे सकता है? आप यकीन मानिए कि 2G से भी सस्ता आपको अब इंडिया में 5G वेलकम ऑफर के अंदर देखने के लिए मिलता है। बड़ा परेशान हो गया हूँ क्योंकि मैं भी आप सबसे एक विश्वास के साथ वीडियो लेके आता हूँ, बहुत सारी चीजें डिटेल में आपसे डिस्क्राइब करता हूँ, लेकिन अभी जियो ने रियली एक बिग चेंज किया है जिसमें कि बहुत ज्यादा कस्टमर्स को प्रॉफिट है, लेकिन जो फैसिलिटी आप इंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि जियो ट्रू 5G के साथ आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला रहे हैं, 1 Gbps तक की स्पीड चला रहे हैं, ज्यादा का जो भी कस्टमर जियो के अभी जियो 5G का ऑफर या बात करें नेटवर्क यूज कर रहे हैं उन्हीं को अभी तक इंजॉयमेंट है। बट आप यूज करने वाले हैं या आप जल्द ही जुड़ने वाले हैं जियो वेलकम ऑफर के साथ आपकी सिटी में जैसे ही लॉन्च होता है, तो ये अनाउंसमेंट आपके लिए रियली बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि बात करें, कस्टमर क्लेम कर रहे हैं जियो वेलकम ऑफर की वैलिडिटी इतने सस्ते प्राइस में एक्सटेंड हो रही है कि ये मानिए कि आप 3 महीने की चीपेस्ट टू चीपेस्ट में अब कर सकते हैं। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा वीडियो हम ऑलरेडी लेके आते रहते हैं, जैसी छोटी सी भी अपडेट आती है ना हम आपके पास तुरंत ही आते हैं, बट ये अपडेट बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे कि हम बात करें प्राइस सेगमेंट 395 रुपए में आपको रिचार्ज करवाते हैं, ये वैल्यू पैक के अंदर होता है, ये आपको कहीं और नहीं देखने के लिए मिलेगा। तब आप माई जियो एप्लीकेशन में जाएंगे तब आपको ये पैक कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। इस पे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आप 5G को एक्सटेंड कर सकते हैं इस प्राइस पे, बट मैं आपको विथ प्रूफ अभी शो ऑफ करूंगा। जैसे कि बात करें इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको 3 महीने की मिलती है, और ये कुछ प्रूफ जो ये रिचार्ज करवाया है। बट आप कहेंगे ये तो फरवरी में एक्सपायर हो रहा है, 14 फरवरी में। एक सवाल वो है कि कस्टमर तो ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने क्या कहा आपसे कि ये जियो वेलकम ऑफर एक्सटेंड है, यहाँ पे जो करेंटली जो प्लान चल रहा है वो 14 फरवरी 2023 में एक्सपायर हो रहा है, लेकिन तब 395 रुपए का रिचार्ज करवाया कि नॉर्मली 6 GB डेटा मिलता है 3 महीने में यूज करने के लिए, जो कि हम बात करें आप 5G पे अराउंड 30 to 20 मिनट के अंदर ही तक डेटा खर्च कर सकते हैं। बट ये ऑटो एडवांस ऐड हो गया यहाँ पे, तो आप देखेंगे तारीख, थोड़ा सा मैं पीछे वाला दिखाऊं तो आप देखना तारीख डेट सेकंड मिनट सब कुछ देख लेना यहाँ पे। अब जो एड ऑन हुआ है यहाँ पे मैच कर लीजिए, अप्रैल 16 अप्रैल 2023 में ये एक्सपायर हो रहा है। तो यहां पे सबसे बड़ी बात है कि जियो ने क्या इंटरनली बहुत बड़ा चेंज किया है। बट आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम कोई नई वीडियो लेके आपके पास तुरंत रहे, क्योंकि बहुत छोटे और मोटे और बड़े चेंज करने पर कंटिन्यू जियो लगा हुआ है। तो यहां पर बात करें तो ऑटो मतलब एड में यहाँ पे जो यूजर्स को मिला है उस हिसाब से 395 रुपए के रिचार्ज में उनकी सेम डेट वैलिडिटी के साथ 3 महीने का जियो वेलकम ऑफर सबसे चीपेस्ट प्राइस में मिल गया। आप महीने के हिसाब से भी जोड़ेंगे तो मतलब 125 रुपए के या 133 रुपए के अराउंड ये आपको 1 महीने का जियो वेलकम ऑफर इजिली एक्सटेंड, जो कि सबसे चीपेस्ट प्राइस में वर्ल्ड में भी निकूंगा कि एलियन से भी आप प्राइस पूछेंगे तो वो भी सस्ते में दिखाई देगा। रियली बहुत ज्यादा सस्ता है कि वर्ल्ड में कहीं पे भी इतना सस्ता डेटा आपको नहीं मिलता, वो भी 5G कनेक्टिविटी के साथ, जो कि अभी इंडिया के एक अच्छे खासे एरिया में आ चुका है। ये नहीं कहूंगा अभी 25% एरिया में भी नहीं आया, लेकिन जिस एरिया में आया वहां पे मैक्सिमम यूजर्स ऑफ नंबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस कंडीशन में बहुत बड़े एरिया में आ गया। तो वहां पे आपको इतने कम प्राइस में ये जियो वेलकम ऑफर देखने के लिए मात्र 395 रुपए के रिचार्ज में आप जियो वेलकम ऑफर 1 Gbps तक की स्पीड अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, बहुत बड़ा बिग चेंज है। लेकिन ये कस्टमर किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि हम इस चीज को एज पर प्रूफ आपको दिखा रहे हैं, कि मैं ये आपको बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इस पे आप रिचार्ज तुरंत करवाइए आपको मिल जाएगा, शायद बाय मिस्टेक हो गया हो, वैसे उम्मीद तो नहीं है क्योंकि जो कंटिन्यू बिग चेंज कर रहा है। फिर मैंने आपको दिखाया भी था ये फोटो कि वहां पे नीचे कोई भी क्लेम नहीं है, जो नॉर्मली आपको जियो वेलकम ऑफर को एक्सटेंड करने के लिए मिलते हैं वहां पे साफ तौर पे लिखा होता है अनलिमिटेड 5G फैसिलिटी, तो वो चीज इसमें दिखाई नहीं देती, लेकिन ये इस तरीके से क्लेम हो रहे हैं। तो आप भी हमसे लगातार जुड़े रहते हैं, आपने इस तरीके का कोई रिचार्ज करवाया तो आप हमें कमेंट में या हमें व्हाट्सअप डायरेक्टली कर सकते हैं, हमारे चैनल पर व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, तो आप हमसे डायरेक्टली वहां पर भी जुड़ सकते हैं।
तो यहाँ पे इस तरीके का क्लेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हो रहा है, तो प्लीज आप भी बताइएगा और हम भी आपको और जानकारी टाइम के साथ देते रहेंगे। ये एक प्रूफ वीडियो है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा, आपको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप 395 रुपए का रिचार्ज करवाइए, क्योंकि शायद ये बाय मिस्टेक हो गया, किसी तरीके की एरर आ गई हो। बट ये इस तरीके की मेजर अपडेट अभी जियो की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। वो हमेशा यही कहता है कि आपको 200, मतलब बात की जाए तो 239 रुपए का रिचार्ज करवाना है 28 वैलिडिटीज के साथ, जिसमें आपको नॉर्मली जियो वेलकम ऑफर एक्सटेंड करने के लिए मिलता है, क्योंकि वैल्यूएशन अराउंड 8 रुपए होना चाहिए। बट यहाँ पे जो वैल्यूएशन है वो तो जो वैल्यूएशन है वो 4.5 रुपए के करीब आ गई है, 4.38 रुपए, जो कि बहुत ज्यादा लोएस्ट, इतना तो आपने कभी 2G पे भी नहीं दिया होगा जितना कि आपको अभी 5G पे देखने के लिए मिल रहा है। बट ये ऑफर है, इसलिए शायद जियो ने बिग चेंज कर दिया हो। आने वाले टाइम में हम आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे कि हाँ आपको इस तरीके के रिचार्ज करवाने हैं या नहीं करवाने। बट यह है कि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।